Oh, yeah.
तो नाज़रीन यहाँ पे ऐसे ख़ूबसूरत गलियाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी हम इस गली से जा रहे हैं, तो अभी कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम बाबा जी से मुलाकात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी मौसम काफ़ी ठंडा मौसम है, कुछ देर पहले यहाँ पे धूप निकली हुई थी, अभी अचानक से यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और इस वक्त यहाँ पे टेम्परेचर -3 से 4 के दरमियान है। तो नाज़रीन यहाँ के घर ऐसे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराने घर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और ये मट हाउसेस भी होते हैं और कुछ ऐसे घर होते हैं जो पत्थर से बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर आसानी से अवेलेबल होता है पहाड़ों में, तो लोग अक्सर पत्थर से घर बनाने को ही तरजीह देते हैं। तो ये देखें, ये छोटे छोटे घर, ऐसे छोटे छोटे घर आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। आपो ना, ये देखिए नाज़रीन, तो हम बाबा जी के घर पहुंच चुके हैं और बाबा जी की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, तो इंशाल्लाह हम जाके देखते हैं, बाबा जी से मिलते हैं, आप लोगों से भी उनकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान तो नाज़रीन बाबा जी को हमें थोड़ा पहचानने में थोड़ी मुश्किल हो गई थी, उसके बाद बाबा जी ने हमें पहचान लिया। जो ही उन्होंने हमें पहचाना, उन्होंने अपनी वाइफ को वाइफ से कहा कि हमारे लिए जल्द ही यहाँ पे चाय तैयार करें, तो इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर हम चाय पीने से इनकार करें तो ये बाबा जी को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए हमने भी मना नहीं किया। तो नाज़रीन ये हमारे बाबा जी के साथ ये पांचवी वीडियो है, तकरीबन आज से पहले हम 4 बार बाबा जी के पास आ चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बाबा जी यहाँ पे धूप में निकले हुए हैं, क्योंकि बाबा जी के गांव में भी अभी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, तो अभी आज थोड़ा धूप निकला हुआ है, तो बाबा जी यहाँ धूप में हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये इनका रिश्तेदार, तो ये देखें, ये जो घर हैं, जो आज से पहले लास्ट बार हम आए थे तो ये घर बन रहा था, अभी ये घर मुकम्मल तैयार हो चुका है और बाबा जी अभी इस घर में रह रहे हैं। तो ये जानकर आप लोगों को भी बड़ी खुशी होगी, बाबा जी अब अपने घर में शिफ्ट हो चुके हैं, जो कि पाक आर्मी वालों के ताउन से बनाया गया था। हम पाक आर्मी वालों को भी खराज तहसीन पेश करते हैं, उन्होंने हमारी वीडियोज़ देख कर बाबा जी की मजबूरियों को उन्होंने मद्दनज़र रखकर उनके लिए यहाँ पर दो कमरों पर मुश्तमिल उन्होंने उनके लिए एक छोटा सा घर तामीर करवाया। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये जो घर हैं, ये बाबा जी इसमें पहले रह रहे थे, पहले तो उधर आप देख सकते हैं, ये टॉप वाला तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा नीचे वाले पहाड़ों में बाबा जी रह रहे थे, जो कि हमने आपको दिखाया भी था। तो उसके बाद ये बाबा जी आए थे नीचे, तो ये अपने रिश्तेदार के घर में रह रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ के जो घर का रहन सहन है, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो घर होते हैं वो पुराने मट हाउसेस हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भेड़ बकरियों को रखने के लिए यहाँ पे देखें बिछड़ा एक रखा हुआ है, इनको भी यहाँ ये देखें, चूँकि इंसानों के साथ साथ सर्दियों में जानवरों के लिए भी बहुत सर्दी यहाँ पर महसूस होती है, इसलिए यहाँ पर ये देखें इस बिछड़े को भी यहाँ इस धूप में रखा हुआ है। बाकी ये आप देख सकते हैं, ये दिन के टाइम और ख़ासकर गर्मियों में यहाँ पे ये लोग सोते हैं, आराम करते हैं। ये देखें, ये देखें, ये छत को भी टेम्परेरी तरीके से ये बनाया गया है, तो काफ़ी घर, पुराने घर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बाबा जी का
नया घर भी दिखाएंगे। बाकी ये बाबा जी का खूबसूरत सा गांव। ये देखें यहाँ पे भी ऑटम सीजन शुरू हो चुका है। बाबा जी मांजर तो ये देखिए नाजरीन, ये है बाबा जी का नया घर माशाल्लाह। यो सब चीज तो मैम पहुंच गई, यो ना हद तो ये नहीं हो चीज, कमरा तो हम नहीं जो। अच्छा बस छोपे वाले बाजी छोपे जो तो नाजरीन ये आप देख सकते हैं बाबा जी कहाँ उधर पहाड़ों में रह रहे थे, कितनी मुश्किल लाइफ उधर गुजार रहे थे, लेकिन आप तमाम लोगों की प्यार और मोहब्बत की वजह से आज बाबा जी का आज आप देख सकते हैं यहाँ गांव में नया घर बन गया है और यहाँ पे वो आराम से रह रहे हैं। तो ये आप तमाम व्यूअर्स की मेहरबानी से ये सारी चीज़ें मुमकिन हुआ है। तो ये देखें ये बाबा जी का किचन है, ये देख सकते हैं यहाँ पे बिजली भी लगाया गया है। बाकी ये कुकिंग एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें बर्तन वगैरह रखे हुए हैं और ये आप देख सकते हैं बुखारी यहाँ पे लगाया गया है। पहाड़ी इलाकों में ये जो बुखारी है वो सर्दियों में ये लगाया जाता है हर घर में। वजह से भी थोड़ी बातचीत करते हैं। यार तबीयत ठीक होती हम मिला था ये फकल चाय को करा और से फरी भरी से फेंकता फ्यूल के सो मैं जर के टेन सब जर गाम उनते टेन वन दूसरे गुंडे शीशे को अच्छा शीशे को जी ठीक बोल मैं एक कर शीशे था। अच्छा अच्छा ये देखिए बाबा जी कह रहे हैं कि हमारे पाक आर्मी के नौजवान बार बार अभी भी तो बाबा जी फरमा रहे हैं कि हमारे पाक आर्मी वालों की ये मेहरबानी है, उन्होंने ये उनको घर तामीर यहाँ पे करवाया और वो कह रहे हैं कि अभी भी आर्मी वाले यहाँ पे आते हैं उनकी खबर गिरी के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम बाबा जी के पास आज दोबारा क्यों आए, तो आज हमारे जो आने का मकसद है वो आप लोगों की कुछ अमानतें थीं जो बाबा जी के लिए आप लोगों ने भेजे थे कुछ रकम की सूरत में, तो हम ये उनके हवाले करने के लिए आए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों की अमानत था हम आज फिर हम उनके हवाले करेंगे। तो अल्लाह पाक आप लोगों को अजर अजीम अता करे जिन जिन लोगों ने बाबा जी की हेल्प किया है, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन ये हम पैसे आप लोगों की अमानत बाबा जी तक पहुंचा रहे हैं। तो ये दिखाने का मकसद शो ऑफ करना नहीं है, क्योंकि ये नहीं ये शो ऑफ हो सकता है, क्योंकि ये हम अपनी जेब से तो नहीं दे रहे, बल्कि ये आप लोगों की अमानत है, ताकि ये आप लोगों को यकीन हो कि हम उनकी आप लोगों की जो अमानत है वो उन तक पहुँचा रहे हैं। तो ये दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने बाबा जी की मदद की है। तो अभी हम आप लोगों को बाबा जी का गांव भी थोड़ा दिखाते हैं। पिछली बार लोग हमसे कह रहे थे कि आप तो सिर्फ बाबा जी का घर दिखा के वापस आए, उनका थोड़ा गांव भी हमें दिखाना चाहिए था। तो कोशिश करते हैं बाबा जी का गांव भी आपको थोड़ा दिखाने की। तो यहाँ पे अभी ख़िज़ां का मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो
पत्ते हैं उनके कलर भी मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभी सर्दी की जो शिद्दत है वो भी बढ़ चुकी है। ये देखें, जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पे पत्ते ही बिखेरे आपको नज़र आएंगे। तो ये देखें नाजरीन, ये है देसी चक्की जो कि मेरे ख्याल में अभी बंद पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल ये जो देसी चक्की है ये अभी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अभी बिजली है तो इस वजह से अक्सर लोग मशीन ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे आटा पीसने के लिए। तो बाकी आज हम आपको एक बहुत ही सुनसान एरिया में ले गए हैं। ये देखिए ये जो गांव है बिल्कुल पहाड़ ग्लेशियर के काफ़ी नज़दीक है ये गांव भी। ये जो नाला है यहाँ से ख़ासकर गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी बहता है, लेकिन अभी ये बिल्कुल सर्दियों में ये बिल्कुल आप एक तरह से देखते हैं, ये देख लें कि ये बिल्कुल सूख चुका है और यहाँ पे पानी के कतरे भी हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि गर्मियों में ये जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने की मकदार ज़्यादा हो जाती है, इसलिए यहाँ से पानी आते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं साइडों पे, ये इस साल जो गर्मियों गुजरी हैं अगस्त के एंड की तकरीबन दरमियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ से लैंडस्लाइडिंग हुआ था, इस वजह से आप देख सकते हैं करीबी जो आबादी है वो भी ख़तरे की जद में आ गए थे। लेकिन अभी आप देख लें, इंटरेस्टिंग बात यह है अभी एक कतरा भी हमें से यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। तो ये देखिए नाज़रीन, ये जो घर आप देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं इसकी दीवारों को, ये देखें काफ़ी पुराना घर है इसलिए थोड़ा खस्ता हो चुका है, लेकिन पुराने घर में यहाँ पहाड़ों में ऐसे ही घर होते थे। अभी वक़्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे भी पक्के मकान बन रहे हैं। तो ये देखिए नाजरीन, इस गांव में तकरीबन सारे घर ही ऐसे बने हुए हमें नज़र आ रहे हैं। ये देखिए नीचे से पत्थर है, ऊपर से ये देखें सारा जो सारी की सारी ये जो दीवारें हैं वो लकड़ी से बनाया गया है। तो नाजरीन इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एक और वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।